Hi, I am Pradeep sir. Hello children, welcome to all of you on your lovely channel A to Z Study Point. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe and press the bell icon. This video has been made for those children who stay away from tuition. They are never able to go to tuition, and if they do not get any support to study, then I am with you. Study diligently, and if there is any problem, then we should comment. If you like this video, then please like and don't forget to share with friends. So let's start the video. आप जो बच्चों ये देख रहे हैं डहलिया टेस्ट बुक जीसीईआरटी द्वारा की गई है ये पुस्तक, तो ये 7 क्लास की ये पुस्तक है, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे अटिला चैप्टर से। तो मेरे साथ बने रहिए और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि उसे भी पढ़ाई करने में मदद हो। मैं आपके ये मददगार के रूप में थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करने जा रही हूँ कि आपको कुछ मदद हो सके और आप घर में ही रहकर कुछ पढ़ाई कर सके। ये आपको हम मदद कर रहे हैं और आप भी अपना अनुभव को इसके साथ शेयर भी करेंगे तो आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये CC1 का हम अध्ययन करेंगे, CC2 का भी अध्ययन करेंगे और ये CC3 का भी हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, अपना नोटबुक खोलें और नोट्स बनाने का तैयारी कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अटिला, ये CC1, CC2, CC3 ये 7 क्लास का है, ये आपका क्लास 7 से है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द पपी लुक लाइक, इसका भी लिखे क्या पढ़ना, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। तो इसी तरह आप अभ्यास करें, इसे लिखने में काफी परेशानी होती है, समय भी वेस्ट होता है। इसका अर्थ क्या है, पप्पी देखने में कैसा था, तो आंसर क्या लिखेंगे, द पप्पी हैड स्क्वायर जॉज, रेड आईज, ए पग नोज। तो पप्पी का जबड़ा चौड़ा, लाल आंखें और चपटी नाक था, ऐसा ही देखने में था, यही लिखना है। चलिए मैं अपना अनुभव को बता रहा हूँ, आंसर इससे भी दूसरा हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि यही आंसर होगा, आप दूसरा भी आंसर इसको अच्छी तरह से अपनी ओर से बना के लिख सकते हैं। मैं आपको ओनली सपोर्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि यही आपका आंसर होगा, इसे बदल कर और भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से सुटेबल और समझ में आवे। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है आप देख सकते हैं, विच नेम्स वे सजेस्टेड फॉर द पप्पी, व्हाट वाज द फाइनली नेम्ड, यानी पप्पी के लिए कौन कौन से नाम बताए गए हैं और इसका नाम अंत में क्या रखा गया है, इसी के बारे में ये बता रहा है। तो आंसर आपका है थंडर, फायर, टाइगर एंड अटिला नेम्स वेयर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, इसका नाम यही सब जो लिखा है, टाइगर, फायर, थंडर, यही सब नाम रखा गया था, लेकिन अंत में इसका नाम क्या रखा, द पप्पी वाज नेम्ड अटिला एट लास्ट, अंत में उसका नाम क्या रखा गया, अटिला ही रखा गया। और अंत में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ ओल्ड वाज द पप्पी व्हेन ही वाज ब्राउट होम, जब उसे घर लाया गया था तो उसकी उम्र क्या थी, तो आंसर क्या लिखेंगे, द पप्पी वाज ओनली ए कपल ऑफ द मंथ व्हेन ही वाज ब्राउट होम, जब उसे घर लाया गया तो 2 मंथ की वो बच्ची थी। ये CC1 आपका कंप्लीट हो गया, अब CC2 में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका CC2 का है, देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल एंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरीडे, कहता है कि जब उनके घर के दरवाजे से प्रत्येक दिन कैसे कैसे व्यक्ति का गुजरना होता था, उसी के बारे में लिखना है। तो आंसर क्या होगा, पोस्टमैन, बिल कलेक्टर, मेडिकल, ट्रेस्टमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, ए वैरायटी ऑफ पीपल इंटर द गेट ऑफ द हाउस, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति प्रत्येक दिन उस रास्ते से, उसके दरवाजे से गुजरते थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, व्हाई वाज मदर एनॉयड विथ अटिला, अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अटिला पर नाराज वो क्यों रहती थी, उसको देखकर नाराज क्यों रहती थी, क्या कारण था, उसी के बारे में ये बता रहा है। तो क्या करना है आपको, व्हेन कम इन एट डाउन टाउन एंड टूक अवे ऑल गार्डन फ्लावर्स बट अटिला वुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो कहता है कि जब वो बागवानी में, फुलवारी में रहते थे, उसका फूल कोई तोड़ के ले जाता था लेकिन वो कुछ करता नहीं था, तो इसी को देखकर उसकी माँ नाराज हो जाती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे।
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, किसी तरह दिखाई देने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। हु वाज अटिला डिफेंडर, तो अटिला का मददगार कौन था, उसको सहायता करने वाला कौन था, तो लिखेंगे द सन ऑफ दैट फैमिली वाज अटिलास डिफेंडर, उस परिवार से जो उसका पुत्र था वही उसके मददगार के रूप में खड़ा हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु वाज रंगा का मतलब रंगा कौन था, वेयर डिड ही लिव, तो आंसर क्या लिखेंगे, रंगा वाज ए गैंगकुली था, ही लिव्ड इन ए हट 3 miles अवे फ्रॉम द टाउन, वो एक झोपड़ी में रहते थे जो कि शहर से 3 किलोमीटर माइल की दूरी में रहते थे। ये सीसी टू दो बच्चों आपका ये खत्म हो जाता है। उसके बाद देखते हैं दो नंबर में क्या दिया है, तो आप देखें यहां पर जो आपको दिखाई दिया ये सीसी थ्री का था, याद रखिएगा ये सीसी थ्री का दिया, ये सीसी थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं क्या दिया है, व्हाट डिड अटिला डू व्हेन ही हर्ड ऑफ ए कैट, कहता है जब बिल्ली के बारे में अटिला ने सुना तो उसने क्या किया, आंसर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखेंगे व्हेन अटिला हर्ड ऑफ ए कैट ही पुट अप हिज ईयर्स एंड डस्ट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, वो कहता है कि जब बिल्ली की आवाज को उसने सुना तो वो क्या किया, उसके कान खड़े हो गए और वो कान खड़े हो गए और उस रास्ते की ओर दौड़ने लगे जिस रास्ते से उसको संकेत कुछ मिला कि पूरब भाग गया या पश्चिम भागा या दक्षिण भागा, तो उसी रास्ते की ओर वो अटिला दौड़ पड़े, यही इसका आंसर कहता है। देखते हैं और इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज अटिलास ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य क्या था, अटिला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वंडर इन द स्टेट वैली, वो ऐसे ही एक सजीव ढंग से वो अपना चरित्र चित्रण करना चाह रहे थे, उसी के बारे में वो बताया गया था। ये आपका सीसी थ्री कंप्लीट हो जाता है। और आपको दिखा दूं कि कौन सा चैप्टर आगे बनने वाला है, उसके बाद यही क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर आपको पसंद आवे कि इस तरह पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि इस चैनल पर ओनली पढ़ाई की ही काम की जाती है, तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब होते हैं तो आपको ये प्रत्येक दिन 10 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी, तो मेरे इस उचित कथन को आप सुने समझें और इसका लाभ उठाएं। मैं प्रत्येक दिन 10 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप सुगम कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी तैयारी आप नहीं कर पाए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफी वीडियो पड़ी हुई है और आप सुगम, इंग्लिश, गणित, ज्ञान सेतु का जो भी पुस्तक है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वो लिस्ट आप ही के लिए बनाया गया है। मैं इतनी मेहनत करके आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको किस तरह की शिक्षा चाहिए, क्या हमें बताने में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप हमें बताइए, मैं आपको जितना हो सके उतना मदद अवश्य करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।